पूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और दक्षिण विधानसभा विधायिका अनिता बदेल शनिवार को हरिओम कॉलोनी चंद्रवरदाई नगर वार्ड 23 में 40 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क और नाले निर्माण कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर स्थानीय पार्षद और उपमहापौर संपत सांखला सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। विधायक अनिता बदेल ने बताया, पिछले सालों में इस वार्ड में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य हो चुके हैं और जो बच्चे हैं वो भी जल्दी कराए जा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 23 की हरिओम कॉलोनी की विभिन्न गलियों में 40 लाख रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। वार्ड नंबर 23 में यूं तो करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, लेकिन अब वो जो छोटी छोटी गलियां भी शेष बच गई हैं वो एक एक करके सभी गलियों का को पक्का कराने का काम पहले से सिलसिला चल रहा है और मुझे लगता है कि अब ये पूर्णता की ओर हम अग्रसर हैं। इस वार्ड में 40 लाख रुपए का काम होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा क्षेत्र इसमें बिना सड़कों के शेष बचेगा। तो इस तरह से ये हमने जो काम किया है वो पूरी प्लानिंग से 5 वर्षों में एक एक कॉलोनी को लेते लेते किया है और 5 सालों में हमने इसको पूर्ण किया है। इस बात की हमें खुशी है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में भारतीय जनता पार्टी का के शासन का कोई सानी नहीं रहा और यह जो काम है ये विधायक कोष से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो स्वीकृत हुई राशि उसके तहत ये किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से नगर निगम जो कार्यकारी एजेंसी है बहुत अच्छे से इसका निर्माण का काम करने वाली है। ये एक बात और मैं इस अवसर पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विकास में विश्वास करता है और छोटा कार्यकर्ता हो चाहे वो नेता हो वो हमेशा जमीन से जुड़ करके काम करता है। ये पहली बार इस वार्ड में हुआ है हमारे संपत जी के उपमहापौर बनने के बाद में कि करोड़ों रुपए के विकास काम यहाँ हुए हैं और ना केवल विकास के काम यहाँ हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ आई हैं जो कि लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। 5 करोड़ रुपए का सेटेलाइट का हॉस्पिटल यहाँ आया है, 2 मिसिंग लिंकें यहाँ बनी हैं जो हमें इस कॉलोनी को हाईवे से जोड़ने का काम करती हैं। इस वार्ड में पशुपालन विभाग का पशु चिकित्सालय आया है, आंगनवाड़ी यहाँ खुली है। तो इस तरह से जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन काम में आने वाली चीज़ें हैं वो समस्त काम यहाँ हुए हैं। चंद्रवदाई का जो खेल स्टेडियम है उसको विकसित करने का काम यहाँ किया गया है। तो अब लोगों को लगता है कि हम किसी शहर की किसी वार्ड में रहते हैं, ना कि हम किसी ग्रामीण एरिया में रहते हैं। ज्वार की नाड़ी जो है, ये ज्वार की नाड़ी का क्षेत्र कहलाता था और इस ज्वार की नाड़ी में पानी की सुविधाएं नहीं थी, सीवरेज की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी। इस ज्वार की नाड़ी में पानी, बिजली और सीवरेज पहुंचाने का यदि किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। इसलिए मैं लोगों को बार बार ये आग्रह करना चाहूँगी कि भाजपा विकास में विश्वास रखती है, इसलिए भाजपा के साथ जुड़ें और आने वाले समय में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो पुनः इस देश के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जश्न अभी होने वाला है पुनः जीत करके जाएं और लोकसभा में पुनः प्रधानमंत्री बने, यही लोगों से विश्वास हासिल करने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि विकास के नाम पर काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं और विकास निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कभी थमने वाला नहीं है, ये विश्वास दिलाने के लिए हम यहाँ आए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।